जो लोग 30 लाख करोड़ रुपए डाका डाल चुके हैं लोगों की जेब पर ईंधन पर टैक्स लगाकर, वो अब 200 रुपए कम करके एलपीजी पर लोगों की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। 2014 से 2023 के बीच में एलपीजी सिलेंडर के दामों में 185% की वृद्धि हुई है। 400 का सिलेंडर 1140 पर पहुंच गया, घटाया कितना गया, मात्र 17.5%, 200 रुपए। मोदी सरकार ने रसोई गैस के दामों में 200 रुपए की कटौती करी, और कटौती करते वक्त मोदी जी ने कहा कि ये उन बहनों के लिए तोहफा है जो कल रक्षाबंधन मनाएंगी। लेकिन असलियत ये है कि इसके लिए मोदी सरकार को मजबूर कर दिया इंडिया ने, इंडिया के गठबंधन ने। हम लगातार बेरोजगारी की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की, महिलाओं के लिए दिक्कतों की बात करते हैं, और अब इन नफरतियों को भी असल मुद्दों पर बात करनी पड़ी। तो क्या हुआ कि 2 करोड़ हर साल रोजगार का जुमला देने वालों को तो 20 करोड़ रोजगार का ब्यौरा देना था, उनको अब फर्जी रोजगार मेले लगाने पड़ रहे हैं। जो लोग 30 लाख करोड़ रुपए डाका डाल चुके हैं लोगों की जेब पर ईंधन पर टैक्स लगाकर, वो अब 200 रुपए कम करके एलपीजी पर लोगों की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। लेकिन कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि खरीदने की क्षमता के अनुसार हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे महंगा एलपीजी सिलेंडर बिक रहा था, तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है, सातवां सबसे महंगा डीजल बिक रहा है। एक और बात समझिए कि 2014 से 2023 के बीच में एलपीजी सिलेंडर के दामों में 185% की वृद्धि हुई है। 400 का सिलेंडर 1140 पर पहुंच गया, घटाया कितना गया, मात्र 17.5%, 200 रुपए। तो ये जो झुंझुना बजाया जा रहा है, समझ लीजिए ऊपर हुआ था दाम 185%, घटाया गया है मात्र 17.5%। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान का जो लोकल एलपीजी सिलेंडर होता है, जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर होता है, उसके दाम दो चीजों पर निर्भर करते हैं, सऊदी अरामको के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या एलपीजी प्राइस समझ लीजिए उस पर, और डॉलर और रुपए के एक्सचेंज रेट पर। सऊदी अरामको का जो एलपीजी प्राइस था वो जनवरी 2014 में जब हमारी सरकार थी तब $1,010 प्रति मेट्रिक टन था, लेकिन जनवरी 2023 में एग्जैक्टली 9 साल बाद उसका दाम $590 प्रति मेट्रिक टन हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आधा, लेकिन दाम एलपीजी सिलेंडर का 185% ऊपर पहुंच गया था। अब दूसरी बात कर लेते हैं। अगस्त 2023 में इस महीने में जो सऊदी अरामको का एलपीजी प्राइस है वो $470 प्रति मेट्रिक टन है, और रुपए की पैरिटी पर ये दाम हमारे लोकल एलपीजी का और भी बहुत कम होना चाहिए था। जुलाई के महीने में सऊदी अरामको का एलपीजी दाम $400 प्रति मेट्रिक टन था, और जून में ये $450 प्रति मेट्रिक टन था। तो ये सोचिए कि मोदी जी ने जून जुलाई में क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि इंडिया जो मुद्दे ला रही है उससे लोग मुखरित हो रहे हैं, लोग समस्या में हैं, हमारी सरकारें चाहे वो कर्नाटक में गृह लक्ष्मी गृह ज्योति की बात कर रही हो, लोगों को आराम पहुंचा रही हो, चाहे ज्यादा खरीद कर रही हो छत्तीसगढ़ में, चाहे राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर बिक रहा हो, असलियत यह है कि लोगों के सहूलियत के लिए जो जो काम हम कर रहे हैं उससे लोग हमारी ओर मुखरित हो रहे हैं। 5 बड़े चुनाव आने वाले हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, और उसके बाद जनरल इलेक्शन आएगा। जिन लोगों ने 9.5 साल आपकी महंगाई के लिए टोह नहीं ली, आपकी जेबों पर डाका डाला, अब वो 200 रुपए कम करके झुंझुना बजा रहे हैं। लेकिन आज सवाल पूछने का दिन है, और सवाल ये पूछना चाहिए कि आखिरकार आपने इतना आतंक दामों पर क्यों मचाया हुआ था। और चरण चुंबक मीडिया से मेरा एक सवाल है, जब दाम 400 से 1140 हो गए तो महानुभावों कितने शो किए आपने जो 200 रुपए कम करने पर कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा दाम ऊपर गए हैं 185%, नीचे आए हैं सिर्फ 17.5%। लेकिन यह इंडिया का प्रभाव है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। नैरेटिव हम सेट करते जाएंगे, मोदी जी उस पर काम करते जाएंगे, लेकिन जनता ने मन बना लिया है, आपकी असलियत समझ ली है, और आपको बोरिया बिस्तर समेट कर विदा करने का मन भी जनता भरपूर तरीके से बना चुकी है। इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इन आंकड़ों में वो काला सच छुपा है जो मोदी जी
जिसको ढकना चाहते हैं। जनज्वार, जनता की मीडिया।